भैया हम बोल रहे हैं कान, हमारा नाम कान है। कान कान को सुनाए और खुद आनंद ले। भैया हम कान हैं, हम दो हैं भाई, जुड़वा भाई, लेकिन हमारी किस्मत ही ऐसी है कि आज तक हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं। हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं है। पता नहीं कौन से श्राप के कारण हमें विपरीत दिशा में चिपका कर भेज दिया गया। दुख सिर्फ इतना नहीं है, हमें जिम्मेदारी सिर्फ सुनने की मिली है। गालियाँ हो या तालियाँ, अच्छा हो या बुरा, सब हम ही सुनते हैं। धीरे धीरे हमें खोटी समझा जाने लगा। चश्मे का बोझ डाला गया, फ्रेम की डंडी को हम पर फंसाया गया। ये दर्द हमने सहा है। क्यों भाई, आप बताइए, चश्मे का मामला आंखों का है तो हमें बीच में क्यों घसीटने का मतलब क्या है, ये बताइए आप। हम बोलते नहीं हैं तो क्या हुआ, सुनते तो हैं ना। हर जगह बोलने वाले ही क्यों आगे रहते हैं। बचपन में पढ़ाई में अगर किसी का दिमाग ना चले तो मास्टर साहब हमें ही मरोड़ देते हैं। जवान हुए तो आदमी औरतें सबने सुंदर सुंदर लौंगे, बालियाँ, झुमके आदि बनवाकर हम सब पर लटका दिए, सब हमारे ऊपर लटका दिए। देखिए आप, छेदन हमारा हुआ, तारीफ चेहरे की हो रही है। और तो और श्रृंगार देखो, आंखों के लिए काजल, मुंह के लिए क्रीम, होठों के लिए लिपस्टिक, और हमने आज तक कुछ मांगा हो तो बताओ। कभी किसी कवि ने, शायर ने कान की कोई तारीफ की है, की हो तो बताओ आप लोग। इनकी नज़र में आंखें, होठ, गाल, ये सभी सब कुछ हैं बस। हम तो जैसे किसी मृत्यु भोज की बची कुछ ही पूड़ियाँ हैं, जैसे उठाकर चेहरे के साइड में दो तरफ चिपका दिया गया बस। और तो और भाई, कई बार बालों के चक्कर में हमको ही काट दिया जाता है और हमें डिटॉल लगाकर पुचकार दिया जाता है। बातें बहुत सी हैं यार, किससे कहें बताओ। कहते हैं दर्द बांटने से मन हल्का हो जाता है। आँख से कहो तो वो आंसू टपकाती है, नाक से कहो तो वो बहता है, मुँह से कहो तो वो हाय हाय करके रोता है। और बताऊँ, पंडित जी का जनऊ, टेलर मास्टर की पेंसिल, मिस्त्री की बची हुई गुटके की पुड़िया, सब हम ही संभाल लाएँ। और आजकल ये नया नया मास्क का झंझट भी हम झेल रहे हैं भाई साहब। क्या हम जान रहे हैं, क्या करें, हमारा नाम ही कान है। चलो भाई, कान को सुनाना अपने और आनंद लेना।